आज वाली प्रॉपर्टी बड़ी यूनिक प्रॉपर्टी है। अभी मैं हूँ इसके लॉबी एरिया में, जहाँ पे आप देख सकते हैं लिफ्ट है। इस साइड में सेपरेट सबके शू रैक दिए हैं, एंड ये है आप अपना फ्लैट जो कि अभी हम लोग देखेंगे। बड़ी प्यारी प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छे तरीके का आपको इसमें इंटीरियर का जो वर्क है वो यहाँ पर मिलने वाला है। और यहाँ की जो अम्यूनिटीज़ है वो देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। पहले हम लोग इस फ्लैट का टूर करेंगे, फिर मैं आपको लेके चलूँगा अम्यूनिटीज़ जो सेक्शन है वहाँ पे। सबसे पहले आप जो मेन आपका एंट्रेंस है उसकी जो डिज़ाइन है वो देखिए। और जैसे ही आप एंटर करेंगे इस फ्लैट में, 1550 स्क्वायर फीट का ये फ्लैट है। सबसे पहले आपका ड्राइंग एरिया, यहाँ पे सोफ़ा अरेंज किया हुआ है, सेंटर टेबल आपकी यहाँ पे है। एंड बैक साइड में आप देखिए जो काम किया हुआ है, वुडन कुछ लाइटिंग का काम है, सीनरी वगैरह लगाई हुई है। सीलिंग डिज़ाइन देख लीजिए, सोफ़ा के सामने की तरफ है आपका यहाँ पे LED के लिए प्लेटफॉर्म। और इसमें देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं स्ट्रिप जो है मिरर फिनिश के साथ में, नीचे की तरफ इसमें ड्रॉवर्स दिए हैं। और यहाँ है आपका एक बढ़िया सा प्यारा सा मंदिर, एक बार क्लोज लुक देखिए। नीचे की तरफ इसमें स्टोरेज के लिए भी जगह दी हुई है। और अब ये वाला जो पूरा पार्ट है ये देखिए, आपका जो ड्राइंग एरिया है, LED पैनल, मंदिर, कितना प्यारा लुक आ रहा है। यहाँ पे आपका मेन एंट्रेंस है। ये जो प्रॉपर्टी है ये वैशाली नगर वेस्ट गांधी पथ पे लोकेटेड है, मेन गांधी पथ से 100-125 मीटर की डिस्टेंस पे, 60 फीट रोड पे आज की ये प्रॉपर्टी बनी हुई है। कुछ ही यूनिट इसमें अभी बचे हुए हैं, लगभग सोल्ड आउट है प्रोजेक्ट। और देखिए आप भी अगर एक प्यारा सा हाउस परचेज करना चाहते हैं बहुत ही अच्छी लोकेशन पे शानदार अम्यूनिटीज़ के साथ में, तो यहाँ पे बहुत कम फ्लैट बचे हैं, जल्दी से आप विजिट कर सकते हैं। नंबर नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए हैं, इसकी और भी कुछ डिटेल है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। अब यहाँ पे सामने की तरफ आपका डाइनिंग एरिया है, वहाँ पे किचन है, एक बालकनी एरिया है, देखेंगे सारी ही चीज़ें। सबसे पहले एक बार जो आपका कॉमन जो वॉशरूम है वो देखिए, ये वॉशरूम आप कॉमन प्लस अटैच दोनों ही तरह से यूज कर सकते हैं। और फिनिशिंग देख सकते हैं कितनी प्यारी है, 75 लाख रुपए की आज की ये प्रॉपर्टी है। एक बार आप जो डाइनिंग एरिया है ये देखिए, यहाँ पे लाइटिंग दी हुई है बढ़िया सी, 4 सीटर आपका डाइनिंग एरिया है। जगह इतनी है कि आराम से आप 6 से 8 सीटर भी यहाँ पे अगर करना चाहे अरेंज, एक आइडिया के लिए बता रहा हूँ, आराम से इतनी जगह यहाँ पे है, जबकि दी हुई अभी यहाँ पे 4 सीटर ही है। यहाँ पे वॉल पे देखिए आप जो डिजाइंस दी हुई है, मेरा कहने का मतलब ये है कि स्पेशियस है फ्लैट और सारी ही चीज़ें बेहतरीन ढंग से यहाँ पे आपके लिए तैयार की हुई है। यहाँ पे देखिए कर्टन है, और यहाँ बालकनी एरिया सामने की तरफ, सीटिंग अरेंजमेंट भी दिया हुआ है। अब देखते हैं मॉड्यूलर किचन। किचन में देखिए एल शेप आपका काउंटर टॉप है। सबसे पहले तो इसका कलर कॉम्बिनेशन ही देखिए आप कितना प्यारा है। ऊपर की तरफ प्रॉपर इसमें कैबिनेट दिए हैं, नीचे की तरफ इसमें ड्रॉवर आपके दिए हुए हैं। यहाँ पे आपका विंडो सेक्शन, चिमनी यहाँ पे लगी हुई है। और यहाँ पे जो ड्रॉवर देखेंगे आप तो देखिए सॉफ्ट क्लोजर के साथ में आपको मिल रहे हैं। ऊपर की तरफ देखिए हाइड्रोलिक आपके कैबिनेट दिए हैं, लाइटिंग वगैरह का प्रॉपर काम आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब हम मूव करते हैं आपके बेडरूम की तरफ। तो इस बेडरूम में वॉशरूम जो आपका कॉमन प्लस अटैच है वो आपका है, एंड यहाँ सामने की तरफ वुडन वार्डरोब है, ये देखिए पूरी वुडन में तैयार की हुई है, स्पेशियस है। यहाँ आपका किंग साइज का बेड, दोनों तरफ आपकी सेंटर टेबल, सॉरी दोनों तरफ साइड टेबल दी हुई है। बेड के हेड की तरफ की डिजाइंस देख लीजिए, एसी फिटिंग के पॉइंट जहाँ भी आपको रिक्वायर्ड है वहाँ पे दिए हुए हैं। बेड के सामने की तरफ आप देखेंगे जो पूरी वॉल है, पूरी वॉल पे ही आपको डिजाइनर वर्क दिया हुआ है। यहाँ अपनी LED लगा सकते हैं, नीचे की तरफ स्टोरेज के लिए जगह, और यहाँ देखिए आप और स्टोरेज मिल जाता है। एक आपकी टेबल यहाँ पे दी हुई है, और ये है इसमें स्टैंडिंग बालकनी UPVC स्लाइडिंग डोर के साथ में, कर्टन वगैरह प्रॉपर आपको यहाँ पे मिल ही रहे हैं। तो ये देखा आपने फर्स्ट बेडरूम। और ये प्रॉपर्टी आपको कैसी लगी आप एक बार कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताइए। विजिट आप करना चाहे तो नीचे नंबर जो दिए गए हैं वहाँ पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मूव करते हैं सेकंड बेडरूम की तरफ। इंटीरियर आपको देखिए हर रूम का अलग मिलेगा, फिनिशिंग आपको बहुत ही प्यारी मिल जाएगी इस फ्लैट में। किंग साइज का बेड,
बाकी जो काम किया हुआ है एक बार वो आप देखिए। इस साइड में आप देखेंगे तो एक मिरर लगा हुआ है, मिरर में रैक्स दी हुई है और यहाँ आपका वार्डरोब है। सामने की तरफ एलईडी पैनल, यहाँ पे एक आपकी टेबल अरेंज की हुई है। कोई भी काम करना चाहे आप कर सकते हैं, स्टडी वगैरह या फिर लैपटॉप पे काम, चेयर लगा के आराम से। तो सारी चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखा हुआ है, कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा है कि बाद में आपको परेशानी हो। ये देखिए आपका वॉशरूम एरिया, और यहाँ देखेंगे आप तो कर्टन के साथ ही यूपीवीसी स्लाइडिंग डोर दिया है एंड आपका बालकनी एरिया। तो ये देखें हमने यहाँ पे दो बेडरूम। अब मूव करते हैं थर्ड रूम की तरफ। और इस रूम में भी आप देखेंगे किंग साइज का बेड है, पूरी जो वॉल है डिजाइनर वर्क के साथ में है। यहाँ पे आपकी वार्डरोब है, सामने की तरफ मिरर एरिया, सीलिंग डिजाइन एक बार आप देखिए, फिर सामने की तरफ आप आएंगे तो यहाँ पे आपका एक बड़ा एलईडी पैनल, और इस रूम में भी मिल जाता आपको अटैच वॉशरूम। तो टोटल 3 बेडरूम, 3 वॉशरूम, लिविंग डाइनिंग एरिया, मॉड्यूलर किचन, और यहाँ पे है आपकी एक और बालकनी। कर्टन वगैरह प्रॉपर यहाँ भी दिए हुए है। अब देखिए फ्लैट मैंने आपको दिखा ही दिया, अब मैं आपको अमेनिटीज जो है वहाँ पे लेके चलता हूँ। ये है इस प्रोजेक्ट का जिम एरिया, और जो जिम आपके इक्विपमेंट्स है वो देखिए कंप्लीट यहाँ पे लगे हुए हैं। स्पेशियस जिम है, मिरर वगैरह प्रॉपर यहाँ पे लगे हुए हैं। और जिम के बाद अब मैं आपको जो थिएटर रूम है वो दिखाता हूँ, और जो गेमिंग सेक्शन है वो दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए एक सिटिंग अरेंजमेंट दे रखा है, बाकी यहाँ पे गेम्स आप खेलना चाहे वो आपके लिए है। अब ये देखिए जो लॉबी तैयार की है, ये बड़ी प्यारी लॉबी तैयार की है। यहाँ पे देखिए लाइटिंग और डिजाइन्स वगैरह। अब सामने की तरफ आपका थिएटर रूम, तो एक बार आप थिएटर रूम देखिए। इसमें आपको देखिए आगे की तरफ सिटिंग अरेंजमेंट दिया हुआ है, एसी, लाइटिंग वगैरह सारी चीज़ें प्रॉपर यहाँ पे लगाई हुई है। ये था आपके प्रोजेक्ट का बेसमेंट का पार्ट। तो उम्मीद है दोस्तों आज की प्रॉपर्टी आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक तो करना ही है, साथ ही ऐसे और भी शानदार प्रोजेक्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए आप। और इस प्रोजेक्ट की अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर नीचे मेंशन किए हुए हैं। थैंक यू।